हाय माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। ओके, आज मैंने कार्ड्स पहले से ही निकाले हुए हैं एंड मैं आपको एक बार रीड करके बता दूंगी। जो मैं फील करूंगी, जो मैं परसीव करूंगी, जितने मैसेजेस मुझे मिलेंगे, मैं सारे मैसेजेस आपको दूंगी एंड देखिएगा आपसे कितना परसेंट रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा, बाकी आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ओके, आई एम सो सॉरी। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके जो भी पर्सन है वो आपको ना बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं। ये हो सकता है वो आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, ये हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। जहाँ से पॉसिबिलिटी है, जैसी पॉसिबिलिटी है, आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे से स्टॉक कर रहे हैं। इट मीन्स आपके पर्सन आपको स्टडी कर रहे हैं। ओके, बिकॉज आपके पर्सन को आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। फॉर द टाइमिंग ये हो सकता है कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में या फिर आप दोनों के कनेक्शन में पास्ट में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, तो इस समय आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो नेगेटिविटी को लेट गो करना है, ठीक है, और उसके बाद इस कनेक्शन पे काम करना है। या फिर इस समय आपके पर्सन की जो सिचुएशन है या फिर जो उनके हालात हैं वो थोड़े से खराब हैं, इसीलिए इस कनेक्शन को उन्होंने लेट गो किया है या फिर आपको लेट गो किया है। एंड बाद में मुझे लगता है आपके पर्सन बिल्कुल रेडी होंगे इस कनेक्शन में आपके साथ काम करने के लिए। ओके, आपके पर्सन वैसे तो एक काफी किस तरह की एनर्जी बताऊं, वैसे बहुत स्मार्ट है, लेकिन होता है ना कि बहुत सारी परिस्थितियां हमारी लाइफ में ऐसी आ जाती है कि जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती। बस आपके पर्सन का भी वही हाल है, उनकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके कंट्रोल के बाहर हैं। ओके, इसलिए शायद वो थोड़े से उन्होंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज किए हैं, थोड़े से एडजस्टमेंट्स किए हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। आपके जो भी पर्सन है ना वो काफ़ी सीक्रेटिव है, उन्हें आपके बारे में नहीं, सॉरी, आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। आपको उनके बारे में सिर्फ उतना पता होगा जो आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, उसके अलावा आपको उनके लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है। ओके, वो एक मुखौटा लगाए हुए हैं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स भी कभी आपको नहीं बताई है, उन्होंने अपने इमोशंस भी कभी आपको नहीं बताए हैं, ठीक है। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके दिल में क्या इमोशंस हैं आपको लेके, सब चीज़ें हिडन है। तो आपके लिए तो मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, मैं समझ सकती हूँ अगर आपसे ये एनर्जी मैच करेंगे तो। ओके, एंड मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि इस समय आपके पर्सन ना काफ़ी, उनकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां हैं और उस चीज़ से लड़ते 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 वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए हैं, इसीलिए इस समय ना उन्हें पीस चाहिए। तो मुझे लगता है वो अपनी लाइफ में एक डिफिकल्ट टाइम से एक शांति की तरफ अभी जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि जब शांति आएंगी उसके बाद वो आपकी लाइफ में आएंगे एंड इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ओके, आपके पर्सन को बहुत हैवी हैवी एंग्जाइटी है बिकॉज वो जो लेट गो वाली सिचुएशन है ना वो उनके लिए ईजी नहीं है, लेकिन उनकी खुद की सिचुएशन भी उनके लिए ईजी नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप मान लो 50% सफ़र हो रहे हैं तो आपके पर्सन कम से कम 100% सफ़र हो रहे होंगे। उनकी जो भी सिचुएशन है, उन्होंने जिस वजह से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिस लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिसके लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कुछ भी सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में उनको इस समय एंग्जाइटी बहुत बनी हुई है। आपके पर्सन यूजुअली आपके साथ ना एक प्लेफुल हैप्पी एनर्जी में रहना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि इस समय रह नहीं सकते हैं। बहुत बर्डन है उन्हें। ये हो सकता है कि उनके करियर अच्छा ना हो, चल रहा हो, ये हो सकता है कि उनके फाइनेंसेस अच्छे ना हो, ये हो सकता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस समय उनके सर पर, या इसीलिए ये यूनियन डिले हुआ है, इसीलिए ये रीयूनियन डिले हुआ है, या फिर आपका कनेक्शन बन ही नहीं पाया है, या एंड वो आपको बहुत हाई एनर्जी में देख रहे हैं, वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। जो भी आपके पर्सन है उनको पता है आप बहुत बिजी हो अपनी लाइफ को क्रिएट करने में, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से क्रिएट कर रहे हो, और बेस्ट पार्ट ये है कि आप ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, अबंडेंट हो, कहीं ना कहीं काफ़ी नॉलेजेबल हो, विजडम बहुत अच्छा है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि आप ना यू हैव सम स्पेशल पावर, आपके पास कुछ पावर है विच इज़ अनसीन, और या फिर ये भी हो सकता है कि डिवाइन का आपके ऊपर हमेशा हाथ रहा हो। अब बहुत नर्चरिंग हो, बेसिकली लविंग हो, काइंड हो, ऐसा हो सकता है कि आप एनिमल्स की हेल्प करते होंगे, या फिर कभी उन्होंने नोटिस किया होगा कि आपका जो दिल है वो बहुत अच्छा दिल है, प्योर है, काइंड है, यू आर अ प्योर सोल, ये आपके पर्सन को लगता है ऐसा।
ओके एंड आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। और जब से आपके पर्सन की अवेकनिंग हुई है तब से उन्हें इस कनेक्शन के बारे में पता चला है या फिर आपका इम्पोर्टेंस पता चला है। बहुत बार ना हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, चाहे वो कनेक्शन है या फिर कुछ और है, लेकिन जब भगवान हमें वो चीज़ समझाना चाहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ जरिया बना देते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो आपके पर्सन की अवेकनिंग हुई है, वो अवेकनिंग होने के बाद उन्हें इस कनेक्शन के बारे में बहुत स्ट्रॉन्गली एंड बहुत अच्छे से पता चल गया है कि यू आर सो मच इम्पोर्टेंट फॉर योर पर्सन। ओके एंड उनकी हालत कैसी है इस समय? अगर वो आपको लिए अपनी लाइफ में तो भी गए, और उन्होंने आपको छोड़ा तो भी गए, मतलब ऐसी हालत है उनकी। और वो आपको ना, मतलब क्या बोलूँ, वो इस कनेक्शन के लिए डेली प्रे कर रहे हैं, वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं, नॉट स्पेसिफिकली आपके लिए, मतलब कि ये कनेक्शन बन जाए इस चीज़ के लिए वो डेली प्रे कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन है, देखिए आपसे प्यार बहुत करते हैं, इक्वल म्यूचुअल लव है, और ये वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड है। आप देख सकते हैं जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना ही वो भी आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है आपके जो भी पर्सन है वो आपके ट्विन फ्लेम हो या फिर आपके सोलमेट हो, लेकिन आपके ये जो भी पर्सन है ना, मैंने जो भी पर्सन है ना, वो इस समय आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है या तो उन्होंने कुछ चीज़ें सरेंडर करी हैं या फिर वो अपनी हालत से लड़ते लड़ते या फिर हालात से लड़ते लड़ते सॉरी इतने परेशान हो गए हैं कि वो पॉजिटिविटी या फिर पोटेंशियल ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो थोड़े से मुझे किसी तरह की प्लानिंग तो करते हुए दिख रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा तो फिर वैसा, वैसा होगा तो फिर वैसा, समथिंग लाइक दैट, राइट, जो मुझे फील हो रहा है। बट आपके जो भी पर्सन है ना, वो रोमांटिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है, अफेक्शन बहुत ज़्यादा है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, एंड आपके जो भी पर्सन है वो आपको सॉलिड लॉन्ग टर्म कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ रियल ऑफर करना चाहते हैं। और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं जो भी आपके पर्सन है। देखिए पैशन कितना ज़्यादा है, इंटेंसिटी कितनी हाई है, और ये जब कार्ड आता है ना तो इसका मतलब ये कार्ड में एनर्जी कभी लो होती ही नहीं है, वो एनर्जी बढ़ती ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज ही आपके लिए जितना फील करेंगे, जैसा फील करेंगे, कल या फिर एक हफ्ते बाद वो ये एनर्जी डबल ही होंगी या ट्रिपल ही होंगी, कम नहीं होंगी। तो इंटेंसिटी बहुत हाई है, पैशन बहुत हाई है, अफेक्शन बहुत हाई है, अटैचमेंट बहुत हाई है, और देखिए आपके साथ ना वो यूनियन चाहते हैं, बहुत जल्दी वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे बात करनी है, उन्हें आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना है, उन्हें ये भी हो सकता है कि उन्हें अपनी लाइफ से कनेक्टेड कुछ चीज़ें आपको बतानी हो, ताकि आपको उनकी सिचुएशन समझ में आए, आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में आए। चल तो बहुत कुछ रहा है आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेके, बट ये जो सिचुएशन है ना, इस समय आपके पर्सन सिर्फ अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं कि उनके लाइफ में कैसे तो भी बैलेंस आए और फिर वो इस कनेक्शन में बैलेंस लाए, है ना? तो यही आई थिंक इम्पोर्टेंट है इस समय उनके लिए। यहाँ से देख लेते हैं, और पता है मुझे एक चीज़ चैनल हो रही है, आई वॉन्ट लेट यू गो, चाहे आप लोग के बीच में कुछ भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, आप मूव ऑन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वट एवर, लेकिन आपके पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, जो भी है वो आपको जाने नहीं देंगे। मोमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन, ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ट्रुथ, न्यू बिगिनिंग,
विक्ट्री एंड सक्सेस। देखिए, आपके पर्सन को सक्सेस चाहिए, आपके पर्सन को विक्ट्री चाहिए, चाहे कुछ भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, मैंने कहा ना वो आपको जाने नहीं देंगे। तो योर पर्सन वॉन्ट्स विक्ट्री विद यू। एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि आई थिंक आप उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल करते हैं, और उन्हें पता है कि शायद जितना प्यार आप उनसे करते हैं उतना सारे दुनिया में कोई उनसे नहीं कर सकता, या फिर उन्होंने कभी वैसा लव फील ही नहीं किया होगा जो आपने उन्हें दिया है, या आपने उनके लिए जो भी कुछ किया है। आई डोंट नो, आपकी जैसे सिचुएशन होंगी वैसा लीजिएगा। आपके पर्सन को पता है कि इस समय ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी बेसिकली सिक्योरिटीज पे काम कर रहे हो, या अपनी सिक्योरिटीज पे काम कर रहे हो, और उन्हें जितना मैं समझ पा रही हूँ उन्हें अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं और उसके बाद ही वो आपके पास आएंगे। आई थिंक वो इस प्रोसेस में है कि अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लें और आपको सच्चाई बताएं, आपको ट्रुथ बताएं उनकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, जैसा भी कुछ चल रहा है, एंड देन आपके साथ एक नई शुरुआत करें। देखिए, उनको ना डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आपके जो भी पर्सन है वो जैसा भी आपके साथ एक्ट कर रहे हैं या फिर जो भी आपके साथ बिहेव कर रहे हैं ना कहीं डिवाइन से उनको पूरा सपोर्ट है, उनको उनको सारी गाइडेंस मिल रही है, जो उनके स्पिरिट टीम है या फिर जो भी उनके एंजल्स है वो उनको पूरा गाइडेंस दे रहे हैं। वो आपको जाने नहीं देंगे, वो डेफिनेटली आपको जाने नहीं देंगे, बिकॉज वो आपके ट्विन फ्लेम है, वो आपके सोलमेट है। शिव शक्ति की बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है इस समय, काफ़ी लेकिन रेस्टिंग पीरियड पे है, तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये कनेक्शन चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर मैंने क्यों इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रनर एनर्जी में रहे हो, या फिर अब भी बहुत ज़्यादा रनर एनर्जी में हो, जो भी उनके सिचुएशन होंगे, लेकिन वो आपके बगैर रह ही नहीं सकते, या फिर आप उनके बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन थोड़े से उसमें फ्रिंजेस ज़्यादा होती हैं, या ऐसे उलझे हुए कनेक्शंस रहते हैं वो। आई बिलीव कि सब अच्छा हो आप लोग की लाइफ में, एंड मैजिशियन इन द मिरर, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो वो भी नेगेटिव हो रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हो तो वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इस कनेक्शन में चाहे कुछ भी हो, ट्राई टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। अगर वो सैड हो रहे हैं तो आप सैड हो रहे हो, आप दोनों एनर्जेटिकली आई थिंक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आपके पर्सन जो सोचते हैं वो आप तक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ जाता है, या फिर आप जो सोचते हो वो आपके पर्सन समझ जाते हैं। लेकिन देखिए, ये कनेक्शन को ना डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है, ये कनेक्शन पर एंजल्स की, डिवाइन की कुछ ना कुछ सपोर्ट, कुछ ना कुछ नहीं पूरा ही सपोर्ट है, इनफिनाइट ब्लेसिंग है इस कनेक्शन पर डिवाइन की। आप लोग के लिए ना आई थिंक 777 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये हो सकता है कि आपको 777 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता हो, या फिर 555 नंबर आप लोग को बहुत ज़्यादा दिखता हो। ओके, या फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।